हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्या मैं आपको बताऊंगा वो आप लोग जान गए होंगे। जैसा कि आप सभी ने हमारा थंबनेल देखा होगा और टाइटल भी हमारा पढ़ा है कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि ढोलक में मसाला हम कैसे लगाएँ। जी हाँ, ढोलक में मसाला हम कैसे लगाएं, किस चीज़ का लगाएं, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि ढोलक में मसाला कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम धूपबत्ती लेंगे। यह है धूपबत्ती, मंगलदीप, जिसका नाम है मंगलदीप धूपबत्ती। वैसे धूपबत्ती बहुत आती हैं, लेकिन ये मंगलदीप धूपबत्ती ढोलक के मसाले के लिए सर्वोत्तम मानी गई है, अच्छी मानी जाती है हमारे हिसाब से। हालांकि हम तो अपने ढोलक में इसी धूपबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, मंगलदीप का। ये मंगलदीप धूपबत्ती बहुत अच्छी आती है, इसका मसाला कुछ समय तक रुका रहता है, अच्छा सालों साल मसाला इसका चलता है। हम तो लगाते हैं, एक दो साल तक मसाला इसका छूटता ही नहीं है। तो आइए, कैसे इस धूपबत्ती का हम प्रयोग करेंगे, ढोलक में इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम धूपबत्ती को निकालेंगे। ये हमारी धूपबत्ती हो गई, ये देखो, इसको पहले हम एक ही में कर लेंगे, ये ऐसे ऐसे एकदम। आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। आप लोग ढोलक में मसाला दुकानों पे लगवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम पैसे में अच्छा काम। धूपबत्ती का आप 5 रुपये का पैकेट ले लीजिए या 10 रुपये का ले लीजिए, हालांकि 5 रुपये के पैकेट में ही मसाला लग जाएगा, कोई विशेष खर्चा भी नहीं है। केवल बहुत ज़्यादा इसमें 10 रुपये का खर्चा है बस। दुकान पे आप जाएंगे, 150-200 रुपये वहाँ ले लेगा दुकानदार, यहाँ केवल 10 रुपये में आपको ढोलक में मसाला हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको हाथों से थोड़ा ताकत से इसको एक ही में मिला के बढ़िया थोड़ा हम गोलाकार करते हैं इसको। जैसे हम घर में रोटियां बनाते हैं वैसे ही इसको बनाएंगे, ये ऐसे थोड़ा इसको दाब देंगे ऐसे। अब हमें ढोलक का पूरा ले लेंगे, ये है ढोलक का पूरा, देख लीजिए, यहाँ पे बीच में हम रखेंगे इसको। फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम सरसों का तेल लेंगे, जिसे कड़वा तेल बोलते हैं। ये हमारा हो गया सरसों का तेल, थोड़ा हमने इसमें ले लिया, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। अब क्या करना है, इसको थोड़ा हम ढोलक के पूरे पर रखें, थोड़ा इसको फैला दिए, हल्का सा इसमें अंगूठे में लेकर के इसको ऐसे दाबना है, पूरे धूपबत्ती में इसको लगाना है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा मसाला अब लग चुका है, आप देख रहे हैं हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो थोड़ा मसाला लग तो चुका है परंतु ये अच्छा नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे, कोई वस्तु लेंगे गोलाकार, जिससे हम ये ढक्कन ले लिए, डिब्बे का ढक्कन है ये, प्रायः आपके घर में भी होगा। इसको हम बीचों बीच में यहाँ रखेंगे ऐसे ऐसे, इसको हम थोड़ा दबा देंगे जोर के साथ में, दबा के फिर हम इसको उठा लेंगे। अब देखिए हमारा एकदम गोलाकार मसाला हो चुका है। फिर हम एक चाकू लेंगे, चाकू से अब जो ये मसाला हमारा कट गया है साइड का, इसको हम निकाल लेंगे इस चाकू की सहायता से ऐसे, ये हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने मसाला जो है साइड का निकाल लिया। अब थोड़ा सा हम ये सरसों का ऑयल लेके थोड़ा
किनार जो हमारी ये है किनार, थोड़ा हम किनार को नीचे की तरफ दाबेंगे ताकि ये थोड़ा जकड़ ले, इसको पकड़ ले। हाँ, इसको जकड़ भी ले और पकड़ भी ले, ये ताकि मसाला हमारा छूटे ना, कितना भी हम बजाएं छूटे ना। तो थोड़ा सरसों का तेल लेके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चिकनाहट हल्की सी हो जाए, साइड हम दाबेंगे जोर के साथ में साइड, ताकि चिपक ले, ये चिपक ले एकदम। ये हो गया, अब हम थोड़ा इसको मसाले को एकदम बराबर कर लेंगे एकदम। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा ये अब मसाला ढोलक में तैयार हो चुका है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा मसाला एकदम रेडी और तैयार है, अब एकदम लग चुका है। अब इसको हम ढोलक पे कैसे चढ़ाएंगे? आप लोग ये भी एक बात जान लें कि ढोलक में जब हम कोई नया पूड़ा लगाते हैं, मान लिया मसाला हमने लगाया, अब इसको हम जब इस पर लगाएंगे, टाइट करेंगे, तो किस विधि से कैसे लगाएंगे? लोग क्या करते हैं, इसे रख के बस जितना पाया उतना कस दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, इसको हम रखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम एक बोल्ट कसेंगे यहाँ पे, हमारी चारों जो किनारे होती हैं एकदम बराबर होनी चाहिए, किसी भी तरफ कुछ फालतू नहीं होना चाहिए। अब हमने ये बोल्ट लगाया, अब हमें कौन सा बोल्ट लगाना है, जस्ट इसके सामने जो इधर होगा वो बोल्ट हमें लगाना है। ये नहीं कि इसको लगाया फिर इसको लगा दिया फिर इसको लगाया, ऐसा नहीं है। अब इसके सामने जो बोल्ट होगा वो लगाएंगे, इसके सामने इधर आइएगा, ये बोल्ट आता है, थोड़ा सा हम टाइट कर देंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब हमारा ये बोल्ट लग गया, अब हम ऐसा ऐसा बोल्ट लगाएंगे, ये तो अब हम इसको लगाते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसके सामने जो वाला बोल्ट होगा वो लगाएंगे हम, इसके सामने ये वाला बोल्ट आ रहा है, ऐसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे हल्का सा। अब हम ये लगाएंगे, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं है, इधर कम है इधर ज़्यादा है, हमें चारों किनारे एकदम बराबर रखनी है। तो अब ये वाला बोल्ट लगाएंगे, अब यहाँ देखो इस तरफ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसको हम इधर से धक्का मारेंगे, इसको थोड़ा सा हम टाइट कर देंगे हल्का सा, उसके बाद में इसके सामने जो वाला बोल्ट होगा वो लगाएंगे, ये आता है हमारा इसके सामने, थोड़ा सा इसको भी हम टाइट कर देंगे। अब दो तीन बचे हैं, अब इनको लगा देंगे हम, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब चाहे जो भी लगा सकते हैं। अब हमारा ये लगेगा, इसको भी लगा दिए, ये बचा लास्ट। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सारे बोल्ट लग चुके हैं, अब हम कोई एक बोल्ट से थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे, पहले अभी चाबी से नहीं कसेंगे इसको, पहले हाथ से दबा दबा के थोड़ा थोड़ा कसेंगे इसको हम। अब ये हमने टाइट किया, अब एक हमें छोड़ देना है, एक छोड़ के दूसरा, फिर हमें एक छोड़ के दूसरा, इस तरीके से हमें 9 बोल्ट कसने हैं, एक छोड़ के ये भी एक। अब हमारे 9 बोल्ट कस गए,
अब हम क्या करेंगे, चाबी लेंगे। ये है इसकी चाबी। अब चाबी की सहायता से हम एक कसेंगे, फिर इसमें एक एक छोड़ के कसेंगे, हाँ। तो फ्रेंड्स, हमारे सभी बोल्ट टाइट हो चुके हैं, सभी टाइट हो चुके हैं, आप देख लीजिए ये। अब इसका साउंड आप सभी को दिखाते हैं, कैसा साउंड इसका आया है, ये देखिए, बहुत ही अच्छा साउंड है। लेकिन इसको हम कम से कम 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए इसको हम सुखाएंगे भी। सूखने के बाद जब हमारा ये जो घेरा है एकदम मसाला भी चिपक जाएगा और थोड़ा हमारा पूरा भी सूख जाएगा, तो और बहुत ही अच्छा साउंड आएगा। तो चलिए इसको हम आधे घंटे के लिए सुखा लेते हैं, उसके बाद में आइए आपको बजा के भी दिखाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमारी ढोलक पूरी तरीके से सूख चुकी है, अब बढ़िया ये बजाने के लायक हो चुकी है। आइए हम आपको इस ढोलक का साउंड अभी सुना रहे हैं। आप देखिए, देखिए इसमें कितनी आस है, कितनी आस आ गई हमारी। ये इसे हम आस कहते हैं, यानी हम बजाने के बाद छोड़ते हैं जो उसमें से तरंग निकलती है, उसी को हम आस कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, आपको हम एक बार बजा के सुनाते हैं। आज किस वीडियो में आपने सीखा ढोलक में हम मसाला कैसे लगाएं, कितनी मात्रा में लगाएं और किस चीज़ का लगाएं? तो बहुत ही सरल तरीका है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं, 5 रुपये की 2 बत्ती और थोड़ा सा सरसों का तेल, बस कोई खर्चा नहीं। आप इसको अपने घर में बना सकते हैं, अपने घर में ढोलक में मसाला लगा सकते हैं, दुकान में मार्केट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल और सस्ता उपाय है। दोस्तों, विनती करता हूँ आप सभी से, अगर हमारी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पे हमारी पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।